हेलो, मैं हूँ सुमंतु। हाय, मैं हूँ दीपिका। और हम फिर आ गए हैं लेकर आपका फेवरेट शो जिसका नाम है इश्क वाला लव। तो सुमंतु, आज की स्टोरी कौन सी है? आज की स्टोरी का नाम है हमसफर। हमसफर? अच्छा दीपिका, एक बात बताओ, हमसफर किसे कहते हैं? जो जिंदगी भर आपके साथ हो और आपके साथ रहे। पहले वाला ठीक था, आपके साथ हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका हमसफर जिंदगी भर आपके साथ रहे। ये कैसी उलझन है? अभी सुलझा देते। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ऑफ कोर्स। तो आज की कहानी है हमसफर। लव्स बहुत थे पर किसी लव्स का मानो कोई मतलब ही नहीं था। वो जितना भी कहती, खाली दीवार से आवाज टकरा कर वापस आ जाती, और ज्यादा तेज और ज्यादा चुभती हुई सी। रोहिणी 4 साल से एक ही कमरे में दिन और रात यूं ही खुद से बात करती, उसी कमरे में जहां कभी सिद्धार्थ उसे बोलने तक नहीं देता था। बोलने देता भी कैसे, आखिर बोलना उसका प्रोफेशन था, न्यूज एंकर जो था। और रोहिणी, रोहिणी क्या थी वो तो उसे खुद भी नहीं पता था। कभी पेंटिंग का शौक चढ़ता था उसे तो कभी लिखने का, सुबह शेफ बन जाती थी तो शाम होते होते ट्रैवलर। ऐसी ही थी वो, पागल सी। रोहिणी, अब ये क्या, आज डिनर क्यों नहीं बनाया? तुमने सुबह ही तो कहा था कि तुम्हें शेफ बनना है। हाँ, सोचा तो था पर मजा नहीं आया। गैस के सामने गर्मी में खड़ा नहीं हो जाता मुझसे। और मिस्टर सिद्धार्थ, जब चाहत से ज्यादा तकलीफ महसूस होना तो वो काम करने का क्या मतलब? उफ, तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। आज नाश्ते में क्या पड़ा गालिब? नहीं, आज तो दिन मीर से शुरू हुआ। अच्छा, तो मेम साहब ये बताइए कि अब क्या विचार है? जीने का। मतलब? मतलब मैं बस जीना चाहती हूँ। और मेरा डिनर? बस जीना चाहती हूँ। उसकी ये बेअदबी, ये पागलपन ही उसे जिंदा रखता था। पर सिद्धार्थ जानता था कि वो कहां जा रहा है और वहां कैसे पहुंचेगा। सब कुछ सिद्धार्थ के पास, हर चीज का एक प्रॉपर प्लान था। कॉलेज के बाद से ही दोनों करीब 3 सालों से साथ थे और एक ही घर में रहते थे। सिद्धार्थ का प्यार वक्त के साथ और भी गहरा होता गया। रोहिणी, रोहिणी यार कहाँ थी तुम सुबह से? अरे गार्डन में ही तो थी, तुम भी ना? सुनो सुनो, आई वॉन्ट यू इन फ्रंट ऑफ माई आईज ऑलवेज। ओके ओके बॉस। अच्छा, अगर किसी दिन सच में गायब हो गई तो? रोहिणी, यू नो आई डोंट लाइक दिस, प्लीज प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। ओफो, तुम भी ना? बाबा मैं तो मजाक कर रही हूँ। इनका प्यार थोड़ा अलग ही था, बाकी कपल्स की तरह दोनों एक दूसरे के परछाई नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से बंधे हुए थे एक मजबूत गांठ में। सिद्धार्थ जहाँ रोहिणी को बिना देखे नहीं रह सकता था, वही रोहिणी सिद्धार्थ के साथ ना रहकर भी कभी उसकी कभी महसूस ही नहीं करती थी। रोहिणी, रोहिणी तुम 3 दिनों से कमरे में बंद हो यार, ऐसा क्या पढ़ रही हो? अरे एक कहानी है। तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही क्या? तुम तो मेरा हिस्सा हो, मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मुझसे अलग हो। मुझे लगता है जो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, महसूस करती हूँ, मेरे थ्रू तुम भी करते हो। दोनों के प्यार का तरीका अलग था। रोहिणी सिद्धार्थ को अपना हिस्सा मानती थी, कभी कभी तो सिद्धार्थ को इमेजिन करके ही उससे बातें कर लेती थी। सिद्धार्थ जहां हर पल रोहिणी को बांध के रखना चाहता था, वहीं रोहिणी के जहन में सिद्धार्थ इस कदर बस चुका था कि उसे उसके होने या ना होने से फर्क भी नहीं पड़ता था। सिद्धार्थ रोहिणी के साथ अपनी लाइफ प्लान कर रहा था। रोहिणी के लिए सिद्धार्थ ने ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब कर ली ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल होकर रोहिणी के साथ शादी कर सके और उसका ख्याल रख सके। सिद्धार्थ अपने जॉब में सेटल होने लगा और जल्द ही दोनों शादी करने वाले थे। अच्छा रोहिणी, ये देखो मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। मेरी सैलरी है अभी 60,000,
रेंट के 20,000 निकाल लेते हैं, बाकी एक्सपेंसेस मैं 20,000 में मैनेज कर लूंगा, सो आई कैन सेव 20,000 एवरी मंथ. बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई थिंक वी विल गेट आवर ओन कार. तुम भी अगर कुछ सेव करोगी तो वी कैन गेट इट अर्लियर. तुम्हें ना न्यूज एंकर नहीं फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए था. आई एम सीरियस रोहिणी, 2 हफ्तों में हमारी शादी है, वी नीड टू प्लान. ओके ओके, गुस्सा मत करो. तुम्हें पता है मेरा जो है सब तुम्हारा है, पर मुझे मेरे अगले पल का पता नहीं, तो 10 महीने तो बहुत दूर है. क्या रोहिणी, तुम कभी हमारे लिए नहीं सोच सकती? हमेशा सिर्फ अपने लिए सोचती रहोगी? ओफो सिद्धार्थ, अगर खुद को खुश नहीं रखोगे तो किसी और को खुशी कैसे दोगे? इसलिए थोड़ा सेल्फिश होना अच्छा है. सेल्फिश? हाँ, शायद रोहिणी ने अपनी इस फितरत को देर से सही पर पहचाना. थोड़ी सेल्फिश थी वो, पतंग की तरह, जहां मन हुआ उड़ गई. रोहिणी पतंग थी तो सिद्धार्थ उसकी डोर. पर पतंगे अक्सर आसमान में इतनी दूर तक चली जाती है ना, कि उसकी डोर को संभाले रखना मुश्किल हो जाता है. और कुछ ऐसा ही हुआ, उनकी शादी के सुबह रोहिणी कुछ ज्यादा ही दूर उड़ गई. रोहिणी, ये चिट्ठी. माय डियर सिद्धार्थ, मैं जा रही हूं. मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, पर यकीन मानो मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं. बस यही कहूंगी कि जीना चाहती हूं, बस. यूं ही बस वो उठ के चली गई. कहा पता नहीं, वापस आएगी या नहीं पता नहीं, अपने पीछे कई सवाल छोड़े. सिद्धार्थ को पता था ये पहली बार नहीं था कि रोहिणी उसे छोड़ के गई हो. इससे पहले भी वो कई बार नुक्कड़ पर चाय पीने के लिए चली जाया करती थी यूं ही, और कहती थी कि कुछ वक्त चुराने जा रही है. पर पहले कभी कोई खत नहीं छोड़ा उसने. जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, सिद्धार्थ खुद ही वजह तलाश करने लगा. पागल है वो, 2 दिन में वापस आ जाएगी. अगर उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो बोल तो सकती थी ना यार, ये क्या बात हुई. सेल्फिश है वो, बस बस अपने बारे में सोचती है. मन क्या चली गई, मन क्या वापस आ गई, और मैं, मेरा क्या, मैं बस यहां उसका इंतजार करता रहूं. सिद्धार्थ गलत नहीं था, लेकिन उसने एक गलती जरूर की थी, एक परिंदे से दिल लगाने की. कब तक वो उसे रोक पाता? इस चिढ़ में, इस उलझन में रोहिणी के लिए उसका प्यार नफरत में बदलता गया. उसका जॉब चला गया, कार, घर, शादी, सबके सपने बिखर गए. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रोहिणी, कभी नहीं. 1 साल बीत गया, और इस 1 साल में रोहिणी का कुछ पता नहीं. सिद्धार्थ ने भी महीनों इंतजार किया, और फिर हार के न्यूयॉर्क चला गया जर्नलिज्म में मास्टर्स करने. उसे स्कॉलरशिप जो मिली थी, और फिर एक दिन. हेलो रोहिणी, न्यूयॉर्क चले गए तो एक्सेंट भी आ गया, चलो ये भी खूब है. कैसे हो? खुश हूँ. क्यों, होना नहीं चाहिए? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी याद में मैं अपनी बाकी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा? तुम्हें कहा था ना मुझसे कि तुम मुझे सेल्फिश बना दोगी. कंग्रेट्स, कामयाब हो गई तुम. अच्छा चलो, कुछ तो कर पाई मैं. तुम भी आओ कभी न्यूयॉर्क, मेरी वाइफ से भी मिल लेना. तो तुमने शादी कर ली? हम कितने भी सेल्फिश बन जाएं, कितना भी मुस्कुरा लें, पर प्यार के जाने से ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो किसी और का हो जाता है. रोहिणी ने सिद्धार्थ के एक दोस्त से उसका फोन नंबर लिया था और बड़ी हिम्मत करके उसे फोन किया था, इस उम्मीद में कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए.
पर टूटे शीशे कहाँ जुड़ा करते हैं। सिद्धार्थ उससे बहुत दूर जा चुका था। क्यों? अब क्यों वापस आई हो? क्यों? नहीं, नहीं रोहिणी, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करने वाला। अब मैं कभी वापस नहीं आने दूंगा तुम्हें अपने पास। सेल्फिश, सेल्फिश यही चाहती थी ना तुम मुझसे? हाँ रोहिणी, मैं भी अब सेल्फिश हूं। मैं भी अब सेल्फिश हूं तुम्हारी तरह। ये क्या कर दिया मैंने? जब प्यार मिला तो उसे बस यूं ही जाने दिया। क्यों मैंने उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया? क्यों? क्यों? सिद्धार्थ की नाराजगी और रोहिणी की बेबसी दोनों का ही कोई इलाज नहीं था। रोहिणी के बेपरवाही ने एक रिश्ते को अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। कैसे कहूं, कैसे कहूं तुमसे? हर पल हर वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। सांस लेती हूं तो लगता है कांच के टुकड़े हैं हवाओं में। हर सांस के अंदर मेरे गले को चीरते हुए शरीर में जाते हैं। हर सांस में मरती हूं। तुम्हारी कदर नहीं की मैंने, गलती हो गई मुझसे। क्या करूं मैं कि तुम वापस आ जाओ? आज 4 साल हो गए। सिद्धार्थ की याद में बस यूं ही उसके पुराने घर में रोहिणी उसके कमरे में बैठी दीवारों से बातें करती। सिद्धार्थ एक सक्सेसफुल न्यूज जर्नलिस्ट बन गया है। टीवी पे उसे देख देख अपनी गलती पे पछतावा करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं। एक दिन ऐसे ही एक टीवी शो में जहां सिद्धार्थ का इंटरव्यू चल रहा था। गुड मॉर्निंग, आज हमारे साथ है मशहूर जर्नलिस्ट सिद्धार्थ, जो पूरी दुनिया से सवाल करते हैं, और आज हम उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। सुसिद, या इंडिया से न्यूयॉर्क और अब अफ्रीका से लाइव रिपोर्टिंग, यू हैव रीच्ड माइल्स। हाँ, थैंक यू। आपका इंस्पिरेशन कौन है? कोई फेमस पर्सनालिटी या नहीं? किसी ने एक बार लाइफ में सिखाया था कि अगर खुद को खुश रखोगे तभी दूसरों को खुश रख पाओगे। तो किसके शब्द थे? आई मीन ऑफ कोर्स इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो एनी फ्यूचर प्लान्स? कौन है वो लकी गर्ल जिससे आप शादी करने वाले हैं और कब? यार फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ना इतना सेल्फिश हो गया हूं कि किसी और के साथ मुझे नहीं लगता मैं रह पाऊंगा। सो आई रादर रिमेन सिंगल। यू आर अ फनी मैन आई मस्ट से। रोहिणी ने ये सब कुछ देखा और इंटरव्यू खत्म होते ही उसने सिद्धार्थ को फोन किया। हेलो। एक जोर का थप्पड़ लगाया होता। हर रोज जब देर से उठी, हर रात जब कहां चाबी भूल गई, थोड़ा संभल जाती। एक जोर का थप्पड़ लगाया होता, करवट बदल जब चुप सो गई, तुम्हारी गिफ्ट की डायरी जब बारिश में भीग गई, थोड़ा संभल जाती। एक जोर का थप्पड़ लगाया होता, तुम जब दरवाजे पे थे मैं बेसुध गाने सुन रही थी, बाथरूम से जब तुमने आवाज दी मैं फोन पर बात कर रही थी, थोड़ा संभल जाती। एक जोर का थप्पड़ लगाया तो होता, पहली बार जब जाने का सोचा, पहली बार जाने पर जब तुमने भी नहीं खोजा, एक जोर का थप्पड़ लगाया होता, एक जोर का थप्पड़ लगाया होता तो थोड़ा संभल जाती। रोहिणी, तुम्हारा इंटरव्यू देखा, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी बात मानते हो तुम। हमेशा मैंने ही तो तुम्हारी सारी बात मानी रोहिणी, तुम्हें जीना चाहती थी मेरे बिना अकेले। पर तुम्हें तो पता था ना कि मैं बेवकूफ हूँ, एक जोर का थप्पड़ नहीं लगा सकते थे। मैंने एक ऐसे इंसान को जो टूट के प्यार करने में विश्वास रखता था, उसे ऐसा बना दिया। मैं शायद कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। रोहिणी, यकीन मानो अब मैं ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि क्योंकि अब मेरे अंदर कोई
इमोशन से नहीं, इसलिए अब बुरा नहीं लगता, कुछ महसूस नहीं होता। सही कहूं तो थैंक्स टू यू अब दर्द भी नहीं होता। सिद्धार्थ, कुछ कहानियों का कोई अंत नहीं होता। दो लोग एक दूसरे को इस कदर बदल देते हैं कि ना तो वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और ना एक दूसरे के बगैर। सिद्धार्थ रोहिणी सा बन गया और रोहिणी रात और दिन सिद्धार्थ बन के जीने लगी थी। दुनिया के अलग अलग दो कोनों में, लेकिन फिर भी साथ। सिद्धार्थ कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाया और रोहिणी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाई। कुछ अजीब ही सही, पर दोनों हमसफर तो हैं पर हमराह नहीं। साथ चल तो रहे हैं पर कभी मिलेंगे या नहीं इसका कुछ पता नहीं। नदी के दो किनारों की तरह दोनों बस कभी कभी फोन पर बात कर लिया करते हैं। तो ये थी रोहिणी और सिद्धार्थ की कहानी हम सफर। तो इस कहानी से हमको ये तो सीखने को मिलता ही है कि कभी भी जिंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी या पति को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, और अगर हम उनको लाइटली ले लेते हैं तो इसका भी डर है कि वो हमें छोड़ के भी जा सकते हैं। तो ये गलती आप ना करें, आप बस प्यार करें।